अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सब लोग कैसा है? तो ये देखिए, मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था चार्ज हो रहा था, अभी देखिए ये फुल चार्ज हो गया। अभी अभी इधर का जो रेड लाइट था वो क्लोज हो गया, ठीक है। अभी ये फुल चार्ज कंप्लीटेड के निकल दिया हम लोग पावर से। अभी चलिए देखता हूँ इसका कैमरा का रेजोल्यूशन कैसा है, कैसे चालू करना है। ठीक है, मेमोरी कार्ड इधर डालना है। ये देखिए मेमोरी कार्ड, ये है 64 GB। ओके, एक साउंड आएगा, उसके बाद मेमोरी कार्ड लॉक होगा, अंदर जाके लॉक हो जाएगा, ठीक है। फिर दबाएगा तो निकल के आएगा। तो ये मैनुअल लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था, इसका ऐप्स का नाम, इधर से ऐप्स का ना सीधा लिंक मिलेगा आप लोगों को, डाउनलोड लिंक, ठीक है। मैं गूगल में जाता हूँ, लिखता हूँ स्पोर्ट्स, SPO। स्पोर्ट्स कैमरा, ये देखिए आ गया, ये DV, ठीक है। ये है कैमरा ऐप्स का लोगो। तो ये ऐप्स आप लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, करना चाहिए। यस डियर व्यूअर्स, ये है DV, वो कैमरा का एप्स का लोगो, ठीक है। आपका एप्पल में, एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और डेस्कटॉप लैपटॉप ये सब के लिए भी सॉफ्टवेयर है, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका लोगो ऐसा आएगा। तो चलिए हम लोग अभी मोबाइल में जाता हूँ, मोबाइल के ऐप्स में जाता हूँ, उधर से कैसे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ, सो मैं एंड्रॉयड फ़ोन से दिखाएगा इसका पूरा रेजोल्यूशन कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, ठीक है। चलिए देखता हूँ मोबाइल में, थैंक्स। जी हम लोग आ गया स्पोर्ट्स कैमरा ऐप, ये है ऐप्स, ठीक है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया, तो मैं ओपन करता हूँ।
ये इतना तक आएगा। बाद में हम लोगों को जो करना चाहिए वो है ये जो कैमरा है, कैमरा का पावर बटन ये वाला है, मैं पहले बोला पावर बटन दबाना। ओके, पावर बटन दबाएगा तो ये आएगा। उसके बाद आप लोगों को वाईफाई चाहिए तो ये वाईफाई ऑन करने का, ये बटन वाईफाई का है, थोड़ा टाइम प्रेस करके रखने का, वाईफाई चालू हो गया। बाद में अभी वाईफाई के साथ कनेक्शन करने का, ये देखिए ये CS05, ये है कैमरा का एप्स वाईफाई हॉटस्पॉट। तो इसके साथ हम लोग कनेक्शन जुड़ेगा, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अभी हम लोग फिर एप्स में जाएगा। एक एप्स में आया तो देखिए ये वीडियो स्टार्ट हो गया। एक चीज़ देखिए, इधर एक बटन है, ठीक है, इधर एक बटन है, लिखा है ये जो बटन है 180, इसमें लिखा है, ठीक है, ये बटन दबाने का। तो हम लोग जाता हूँ उधर, तो ये देखिए अभी ये वीडियो उल्टा आ रहा, तो इसका सीधा करने के लिए आपको ये बटन 180 डिग्री जो है इसमें प्रेस करने का, बस सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बाहर जाएगा तो पता चलेगा, आप लोग भी देख सकता है। ठीक है, देखिए पूरा वाइड एंगल है एंड फुल्ली क्लियर वीडियो। तो इसका वीडियो का सैंपल भी मैं अपलोड कर दिएगा।